हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स में। और बात करें हम आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो आपको स्क्रीन पे से हो रहा है। सेशन का जो हमारा नाम रहेगा आज वो क्या रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन। क्या रहेगा? राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आज क्या करेंगे, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अब राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात की जाए, यानी कि नेशनलिज्म की बात की जाए, यानी कि राष्ट्रवाद की बात की जाए, उन सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म था, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है और कब से कब तक रहता है। तो बात की जाए राष्ट्रवाद की, हम किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 1885 से लेकर 1947 तक। तो राष्ट्रवाद का टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है, 1885 में स्टार्ट होता है और कब तक रहता है, 1947 तक रहता है। अब बात की जाए राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद के कुछ चरण होंगे। सबसे पहले एक चरण होता है उदारवादी चरण। कौन सा चरण होगा? उदारवादी चरण। तो उदारवादी चरण की हम बात करें तो जो उदारवादी चरण रहेगा इसकी तुलना हम किसके साथ कर सकते हैं, उदारवादी चरण के अंदर कौन कौन शामिल होगा, किस प्रकार के यहाँ पे व्यक्ति होंगे, किस प्रकार के यहाँ पे कारनामे होंगे। बात करें टाइम पीरियड की, 1885 में इसका टाइम पीरियड होता है और कब तक चलता है, 1906 तक। 1906 तक की अगर बात की जाए तो उदारवादी चरण होता है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उग्रवादी चरण की। किसकी बात करें हम, उग्रवादी चरण की बात करें। जो उग्रवादी चरण होता है ये 1906 से लेकर 1917 तक। तो 1906 से लेकर 1917 तक क्या उग्रवादी चरण होता है, उसके बाद एक आता है जी गांधी युग। किसकी हम बात करें, हम बात करेंगे गांधी युग की। तो अब गांधी युग की अगर बात की जाए तो गांधी युग के अंदर क्या है, अगर इसके प्रावधानों की अगर बात की जाए तो गांधी युग में हम क्या से क्या पढ़ते हैं। हम गांधी युग के अंदर बात करें हम गांधी जी की, तो 1917 से लेकर 1947 तक क्या चलता है, गांधी युग चलता है। इसमें हम गांधी के बारे में पढ़ते हैं। उदारवादी चरण और उग्रवादी जो चरण है इनकी तुलना में अगर बात की जाए, इनके दोनों के बात की जाए, इनके दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। बात की जाए उदारवादी चरण की, इसमें जो व्यक्तित्व था वो क्या था, वो नरम दल के सदस्य होते थे। क्या होते थे? नरम दल के सदस्य होते थे। इसके अंदर क्या थे, गरम दल के सदस्य हैं। और इसके अंदर कौन होंगे, महात्मा गांधी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। नरम दल, गरम दल और महात्मा गांधी जैसे प्रावधान किसके अंदर होते हैं, ये रहेंगे उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। यहाँ पे बात की जाए कुछ, अब हम फैक्ट देख लेते हैं। हमारी एक क्रांति होती है, कब होती है क्रांति, फटाफट से बता दीजिए कमेंट करके। क्रांति होती है जी 1857। क्या होती है, 1857 की क्रांति होती है, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। किसको, 1857 की क्रांति को। तो अब 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला गया, और क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति से, एक तो क्वेश्चन आता है जो बहुत बार रिपीट होता है। अगर बात की जाए अभी NTPC की, इसकी हम बात करें, NTPC जो भी करंट में एग्जाम चल रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनके अंदर जो जो प्रावधान है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो NTPC की अगर बात करें तो 1857 की क्रांति से जो क्वेश्चन आए हैं, 1857 की क्रांति की पहली घटना, कहाँ से क्वेश्चन आया है, पहली घटना कब घटती है, 29 मार्च 1857 को। कब कहती है पहली घटना जी, 29 मार्च 1857 को क्या होती है, पहली घटना घटती है। उसके बाद बात की जाए 1857 की क्रांति की पहली फांसी कब होती है, 8 अप्रैल, कब, 8 अप्रैल 1857 को क्या होती है, 1857 की क्रांति की पहली फांसी होती है। उसके बाद
उसके बाद की बात की जाए 1857 की क्रांति की आखिरी फांसी कब होती है, 18 अप्रैल 1859 को। तो कब होती है 18 अप्रैल 1859 को, पहली 8 अप्रैल 1857 को। अब 1857 से लेकर 1885 तक, 1885 की अगर बात की जाए तो 1885 में क्या हुआ था जी, 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी जी। किसकी स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है कब, 1885 के अंदर। अब कांग्रेस की स्थापना हुई और क्वेश्चन आता है जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये किसके दिमाग की उपज थी। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस की जो है किसके दिमाग की उपज थी, अगर इसकी बात की जाए तो ये उपज थी जी ए ओ ह्यूम की। किसकी उपज होती है, ए ओ ह्यूम की क्या थी ये उपज थी, कौन, कांग्रेस। अब बात की जाए इस कांग्रेस की जो गठन किया गया इसके पीछे गठन करने का रीज़न क्या था, क्यों ब्रिटिश ने, क्यों अंग्रेज़ों ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, अगर इसकी बात की जाए इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, इसका पर्पज क्या था। वो पर्पज ये था कि जो ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत होती है 1858 के अंदर, क्या होती है ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत होती है, क्राउन का शासन क्या होता है, क्राउन रूल अब चलना स्टार्ट होता है जी कब, 1858 में। 1858 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है, भारतीय संविधान अधिनियम आया। उस भारतीय संविधान अधिनियम में क्या किया गया, कंपनी का जो कार्यकाल था उसको डिस्ट्रॉय करके क्राउन का रूल क्या कर दिया गया, यहाँ पे चला दिया गया। अब इसका मतलब ये है कि अब कानून बनेंगे जो जो भारत के अंदर कानून बनेंगे, जो कानून लागू होंगे वो कहाँ पे बनाए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे जी इंग्लैंड के अंदर, और भारत में उनको क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर किसी की भी कोई भी समस्या है तो वो क्या करो, वो हमारे पास लेके आओ, हम उस समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। ये किसके द्वारा बोला गया, अंग्रेज़ों के द्वारा बोला गया, लेकिन हमारी समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि वो सुन नहीं सकते, वो हमसे क्या हो गए, परेशान हो गए जी। अब हमसे जैसे ही वो परेशान हुए तो उन्होंने कोशिश की कि हम कभी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक ऑप्शन ढूंढते हैं, जो ऑप्शन क्या करेगा, लोगों की डिमांडों को डायरेक्ट अपने पास सुनेगा, और उनमें से एक चुनिंदा व्यक्ति क्या करेगा, हमें आकर वो सारी समस्याएँ बताएगा। तो ए ओ ह्यूम ने ये सारी चीज़ें सोची, इसके माइंड की, ये दिमाग की उपज रही। तो अब बात की जाए ए ओ ह्यूम की, तो इसने विचार कर लिया जी, एक रिटायर्ड IPS अधिकारी था ये, कि क्या होनी चाहिए, एक दल होना चाहिए, और फिर उस दल की स्थापना की गई कब, 1885 में। अब बात की जाए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना की, क्योंकि अगर यहाँ पे हम सोचें कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने किया किसके लिए था, अपने फ़ायदे के लिए किया गया था, लेकिन फ़ायदा इससे तो किसको हुआ, हमें हुआ, क्योंकि यहाँ से ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना से ही उदय हो जाता है किसका, राष्ट्रवाद का। उसके बाद राष्ट्रवाद उदय के होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे यूरोप में क्या होने लगी, क्रांति होने लगी। उसके बाद इन्होंने हमें कहा कि आप क्या कर सकते हो, अपने स्थानीय भाषा में न्यूज़पेपर की छपाई कर सकते हो जी, अपनी स्थानीय भाषा में क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर की छपाई कर सकते हो। अब ये हमने, इन्होंने कहा हमें, लेकिन हमने जैसे ही स्थानीय भाषा में न्यूज़पेपर की छपाई करना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, हर व्यक्ति के पास क्या होगा, न्यूज़पेपर होगा, जिसे वो क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। अब मान लो इसका एक एग्जांपल ले देते हैं, बंगाल में हो गए विद्रोह जी, कहाँ पे विद्रोह हुए, बंगाल में विद्रोह हुए, लेकिन इन्होंने कूटनीतियों के तहत उन विद्रोह का क्या कर दिया, दमन कर दिया। ये चीज़ नेक्स्ट डे कहाँ पे आती है, न्यूज़पेपर में छपती, हर व्यक्ति पढ़ता है ये बंगाल में विद्रोह हुआ भाई, और जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह क्या था, वो विद्रोह सही था, वो गलत नहीं था। अब ये इन्होंने विचार किया तो सबने पढ़ा, तो यहाँ से जनता ने स्टार्ट किया कि ये अंग्रेज क्या है, अच्छे व्यक्ति नहीं है जी, अच्छे नहीं है, ये तो गलत है, निकम्मे हैं, यहाँ से पता चला। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि आप क्या नहीं कर सकते, हथियार नहीं रख सकते जी, इन्होंने एक और पाबंदी लग दी हमारे ऊपर, हथियार नहीं रखने का। अब हम हथियार भी नहीं रख सकते, इससे भी हमारे भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है कि इंग्लैंड वाले तो क्या है, हम पे धक्के से कानून ढोक रहे हैं, हथियार हम क्यों नहीं रख सकते, ये बात इन्होंने बोली। उसके बाद फिर बात करें हम आगे की,
इन्होंने क्या कहा कि आप अच्छे नस्ल के घोड़े नहीं रख सकते। अब हम पे फिर से कंडीशन उन्होंने अप्लाई की जिससे उदय कुछ का उत्तर राष्ट्रवाद का, और अब हमें ये क्या करने लगे, अंग्रेजी साहित्य भी देने लगे। अब ये हमें क्या करने लगे, शिक्षित करने लगे जी। अब शिक्षित ये करने लगे जी। अब शिक्षित करने की अगर बात की जाए तो इसके प्रावधान क्या रहे शिक्षित करने के, अगर हम चर्चा करें इस पे, तो इसकी जो कंडीशन रही, अब शिक्षित हमें कर रहे हैं और अब इन्होंने एग्जाम भी देना स्टार्ट कर दिया, क्वालिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने जॉब देना स्टार्ट कर दिया, तो अब हमें ये शिक्षित करने लगे और हमें पढ़ाते हैं ये क्या, पॉलिटी। एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके अंदर पॉलिटी है, जो कम्पिटेटिव एग्जाम में आज हर बच्चा जो पढ़ता है वही पॉलिटी अब हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया जी। अब जैसे ही पॉलिटी हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो पॉलिटी में देखते हैं हम क्या है, जो संविधान होता है वो समाज के अनुसार होता है। पॉलिटी के अंदर हमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं जी, मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं। कहाँ पे, इस भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान है जी। लेकिन हुआ क्या, बात करें हम, अब यहाँ पे हमें फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ पे हमें ये किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं जी। अब लोकतंत्र के बारे में ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन चल क्या रहा है इस टाइम पे, चल राजतंत्र रहा है जी। अब लोकतंत्र और राजतंत्र की अगर बात की जाए, इन दोनों के डिफरेंस की बात की जाए, तो लोगों का क्या होगा, तंत्र होगा, राजतंत्र यानी कि किसी भी राजा का तंत्र चलेगा। तो हमने अब शिक्षित हो गए, अब हमने विचार किया थी राजतंत्र अच्छा नहीं है, क्या राजतंत्र अच्छा नहीं है, तो हमारे लिए तो क्या होना चाहिए, लोकतंत्र ही होना चाहिए। तो इससे भी हमें क्या हो गया, यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन से आते हैं। अब हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान देंगे, क्या करेंगे, कुछ हम घटनाओं पे ध्यान देंगे। यहाँ तो था हमें कि किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है, किस प्रकार से नेशनलिज्म का उदय हुआ, ये चीज़ें हमने देखी। अब हम ध्यान देंगे कि क्या कौन कौन सी यहाँ की प्रमुख घटनाएं थी। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक इसको कोई दिक्कत है तो फटाफट से बता दीजिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हम राष्ट्रवाद की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जो हमारा आज मोटिव था, जो हमारा लक्ष्य था, आज हमने जो टॉपिक फिनिश करने हैं उसके बारे में अब यहाँ से पढ़ने स्टार्ट करेंगे। तो जब तक एक बार फटाफट से किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर देना कि राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण घटनाएँ, राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएँ। अब बात की जाए, बात किसकी की जाए, 1904 के जी। 1904 में क्या होता है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब किया गया है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 1904 के अंदर। इससे पहले भी बात करें हम, तो अब बात करें हम इसके बाद, जहाँ से बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अब यहाँ से क्या है, ये है बंगाल विभाजन जी। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बंगाल विभाजन की अगर बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 के अंदर। अब क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक, राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे देते हैं, फटाफट से बता दीजिए कि राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, फिरोज शाह मेहता को। पहला ऑप्शन क्या है, फिरोज शाह मेहता। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी की अगर बात की जाए, लाला लाजपत राय। क्या होगा, लाला लाजपत राय होगा जी। तीसरा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा भगत सिंह। चौथा ऑप्शन होगा
लॉर्ड कर्जन। तो चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से बता दीजिए। राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक, अब उत्प्रेरक की अगर बात करें तो उत्प्रेरक का मतलब क्या होगा? यहां पे हम कह सकते हैं आग में घी डालने का काम, क्या आग में घी डालने का काम किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, भगत सिंह ने किया था, या लॉर्ड कर्जन ने किया था? तो बात की जाए यहाँ पे आपके अनुसार कौन होगा? बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो लाला लाजपत राय को भी टिक करेंगे, भगत सिंह को भी टिक करेंगे, फिरोज शाह मेहता को भी टिक करेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लॉर्ड कर्जन को टिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज सेट है कि लॉर्ड कर्जन है जो, ये क्यों क्यों आगे में ये डालने का काम करेगा, क्यों ये राष्ट्रवाद को भड़काएगा? इनका तो काम क्या है? राष्ट्रवाद को फिनिश करना, ये इनका काम है। लेकिन हम कहेंगे जी नहीं, ऐसा नहीं है, लॉर्ड कर्जन ने ही राष्ट्रवाद में आग में घी डालने का काम किया था, राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बात की जाए लॉर्ड कर्जन की, जो लॉर्ड कर्जन था इसने विचार क्या किया कि अगर हम बंगाल का विभाजन कर देंगे, तो इसने बंगाल का विभाजन किया कैसे? हिंदू और मुसलमानों में, कैसे किया बंगाल का विभाजन? हिंदू और मुसलमान में इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। मुसलमानों की राजधानी क्या रही? ढाका रही। वर्तमान में ढाका किसकी राजधानी है? वर्तमान के अंदर ढाका बांग्लादेश की राजधानी है जी। किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है जी। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो गठन कब हुआ? 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ जी। अब बात की जाए हिंदुओं की राजधानी क्या थी जी? मुर्शिदाबाद थी। और अब यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने। किसने की थी जी? मुर्शिद कुली खान ने क्या की थी? स्थापना की थी जी। किसकी? मुर्शिदाबाद की। कब की थी? 1713 के अंदर। कब स्थापना की थी? 1713 के अंदर, जब औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। तो उस टाइम पे 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद 1713 के अंदर मुगल वंश के उत्तराधिकारी अच्छे अनय होने के कारण जो मुर्शिद कुली खान है, ये क्या कर देता है? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और एक नगर बसाता है मुर्शिदाबाद, जिसे अपने क्या बनाता है? बंगाल की राजधानी बनाता है। बंगाल की राजधानी उससे पहले ढाका होती थी, और मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही बंगाल की राजधानी को क्या बनाया गया है? ये बनाया गया इसे मुर्शिदाबाद, क्योंकि मुर्शिदाबाद की स्थापना ही इस पर्पज से हुई थी कि हम ढाका को चेंज करके राजधानी क्या बनाएंगे? मुर्शिदाबाद बनाएंगे। अब यहाँ पे बात की जाए तो हिंदू और मुसलमानों को बंगाल विभाजन के अंदर अलग कर दिया गया। अब जैसे ही बंगाल विभाजन के अंदर इन दोनों को अलग किया गया है, तो अब इसके बाद का जो टारगेट रहेगा, इसके बाद का जो उद्देश्य रहेगा, वो क्या रहने वाला है? तो सोचा इसने कि जैसे ही इन दोनों को हम क्या करेंगे? अलग करेंगे, इन दोनों में क्या हो जाएगी? फूट पड़ जाएगी जी। क्या विचार किया इन्होंने कि इन दोनों में फूट पड़ जाएगी, और जिससे बंगाल विभाजन होने के बाद राष्ट्रवाद का उदय, जो बंगाल में सबसे ज़्यादा उदय हो रखा है, ये क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ये सोच थी किसकी? लॉर्ड कर्जन की। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने यह नहीं सोचा कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? हमारे विपरीत भी हो सकते हैं। और ऐसा ही यहाँ पे हुआ, जब हिंदू और मुसलमान के रूप में बंगाल को बांटा गया, तो इन्होंने कहा कि आप हिंदू और मुसलमान को क्या कर रहे हो? दूसरे से लड़वा रहे हो, एक दूसरे को भिड़वा रहे हो। तो ये बात बोल ली इसने, और यहाँ पे राष्ट्रवाद फिनिश होने की बजाय राष्ट्रवाद क्या हो जाता है? और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। अब राष्ट्रवाद बढ़ा तो बात की जाए यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 16 अक्टूबर 1905 को एक दिवस बनता है, कौन सा?
राखी दिवस। क्या बनता है? राखी दिवस बनता है। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन हम क्या करते हैं? शोक दिवस के रूप में, राखी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांध कर क्या दिया? भाईचारे का प्रतीक बताया। किसने? हिंदू और मुसलमानों ने। तो यहाँ पे भाईचारे का प्रतीक बताया, तो इससे राष्ट्रवाद कम होने की बजाय क्या हो गया? राष्ट्रवाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए यहाँ पे राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या होगी? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है जी। और 1906 में ही क्या होती है? स्वराज की मांग होती है पहली बार। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन ने की। उसके बाद स्वराज की मांग उठती है। क्वेश्चन आता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 के अंदर हुई। क्वेश्चन किया आता है मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग उठाई थी? तो अलग पाकिस्तान की मांग कब उठाई गई थी? अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी जी 1940 के अंदर। किसके द्वारा उठाई गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये मांग उठाई गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सूरत अधिवेशन। क्वेश्चन कौन सा है? सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन की अगर बात की जाए तो सूरत अधिवेशन कब होता है? सूरत अधिवेशन होता है जी 1907 के अंदर। और इसके अंदर क्या हुआ? सूरत अधिवेशन की अगर बात करें तो कांग्रेस में क्या होती है? यहाँ पे फूट पड़ती है। कांग्रेस का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। कब? 1907 के अंदर। क्वेश्चन आता है कांग्रेस का पहला असफल अधिवेशन। कांग्रेस का पहला असफल अधिवेशन कौन सा था? 1907 का था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आएगा। अब इसके अंदर व्यक्ति कौन कौन थे? अब यहाँ पे गरम दल और नरम दल में क्या हो जाएगी? कांग्रेस के पार्ट हो जाएंगे। तीन नाम आते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। क्या नाम आते हैं? विपिन चंद्र पाल। ये तीन नाम आते हैं लाल बाल पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन सा है। 1909 के अंदर मार्लो मिंटो सुधार। 1909 के अंदर मार्लो मिंटो सुधार। इसके अंदर क्या किया गया? जो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया? जो मुस्लिम साम्राज्य है, क्या है? जो मुस्लिम साम्राज्य है, मुस्लिम साम्राज्य को क्या कर दिया गया? यहाँ पे ज़्यादा अधिकार दिए गए। मुस्लिम साम्राज्य को क्या किए गए जी? ज़्यादा अधिकार दिए गए। किसको? मुस्लिम साम्राज्य को ज़्यादा अधिकार दिए गए, पहली बात। दूसरी बात, मुस्लिम साम्राज्य के क्या किए गए? अलग से चुनाव करवाए गए, जिससे क्या हुआ? हिंदू और मुस्लिम में क्या हुआ? भेदभाव उत्पन्न हो गया। यहाँ पे हिंदुओं ने भी कहा कि आप हमें भी क्या करो, यही सब बताओ, हमें इतनी ये मांग हमारी, ये भी है, ये भी मांग है, आप पूरी करो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। दिल्ली में भव्य दरबार लगा। इससे पहले 1857 में लगा था। इससे पहले कब लगा था? 1877 में लगा था। और जिसके अंदर क्या हुआ था? अकाल पड़ा था जी। क्या हुआ था उस टाइम पे? 1877 में भारत के अंदर अकाल पड़ा हुआ था और इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश दरबार लगाया। और ब्रिटिश दरबार में जो पैसा था उसको पानी की तरह इन्होंने बहा दिया। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ?
सब हम सब ने क्या किया इनको कि आप क्या कर रहे हो, हमारे पास खाने को खाना नहीं है और आप क्या कर रहे हो, भव्य दरबारों का आयोजन कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो ये भी एक कारण बना था किसका, राष्ट्रवाद के उदय का। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो अब दिल्ली में भव्य दरबार लगाया गया, पहला कार्य क्या किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। किसको रद्द किया गया जी, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया कब, दिल्ली के भव्य दरबार में कब लगता है, 1911। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, दूसरे काम की अगर बात की जाए जो दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया लेकिन भाषा के आधार पर क्या कर दिया, इसको बांट दिया। किस पे, भाषा के आधार पर बांट दिया, पहले धर्म के आधार पर बांटा था उसको रद्द कर दिया लेकिन अब क्या कर दिया, भाषा के आधार पर बांट दिया। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग किया, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चन ईसाई जैन बौद्ध इन सबको क्या कर दिया इन्होंने, अलग कर दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आता है कि किस भव्य दरबार के अंदर जो ब्रिटिश के राजा और महारानी ने भाग लिया था, तो जॉर्ज पंचम, क्या था नाम है, जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी। जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी ने क्या किया था, यहाँ पे भाग लिया था। किस में भाग लिया था जी, ये भाग लिया गया था दिल्ली दरबार में। पहली बार राजा और रानी क्या हुए थे इस दरबार के अंदर, पेश हुए थे। तो ये दरबार लगाया क्यों जाता है, इसके पीछे लगाने का कारण क्या है, ब्रिटिश राजकोषी, क्या है, ब्रिटिश राजकोषी की वजह से क्या किया गया था, इस कानून को, इस दरबार को लगाया जाता है। तो अब बात की जाए ब्रिटिश राजकोषी कारण लगाया गया, तो जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी क्या करते हैं इसमें भाग लेते हैं। पहला कार्य बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं, उसके बाद भाषा के आधार पर बांट देते हैं और उसके बाद घोषणा कर देते हैं कि अब से जो भारत की राजधानी होगी वो क्या होगी जी, वो होगी दिल्ली। तो अब के बाद जो भारत की राजधानी होगी वो क्या होगी, वो होगी दिल्ली। तो अब एक क्वेश्चन साथ में ये आता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में, लेकिन दिल्ली स्थानांतरित कब हुई, भारत की राजधानी दिल्ली का स्थानांतरण कब हुआ था। तो स्थानांतरण की अगर बात की जाए तो स्थानांतरण हुआ था जी 1912 के अंदर। तो बनी कब, 1911 में, लेकिन स्थानांतरण कब होता है, 1912 के अंदर क्या हो जाता है, उसका स्थानांतरण हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल लीग का निर्माण। इससे पहले और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब बात की जाए, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए सारी चीज़ें, एक नोट में लिख लीजिए, 1914 से लेकर 1918 क्या चलता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है, प्रथम विश्व युद्ध चलता है। क्या चलता है, प्रथम विश्व युद्ध चलता है 1914 से लेकर 1918 तक। उसके बाद 1915 के अंदर, 1915 के अंदर, 1915 में क्या होते हैं, 9 जनवरी 1915 के अंदर, कब की बात करें हम, 9 जनवरी 1915 के अंदर महात्मा गांधी की भारत में वापसी होती है और 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं, प्रवासी रूप में मनाते हैं। अब उसके बाद बात की जाए 1916 के अंदर महात्मा गांधी साबरमती नदी के किनारे, 1916 के अंदर महात्मा गांधी
साबरमती नदी के किनारे क्या करता है, अपने आश्रम की स्थापना करता है। उसके बाद 1917 में गांधी भारत के अंदर पहली बार चंपारण आंदोलन के अंदर सत्याग्रह का आह्वान करता है। क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कब किया, 1906 के अंदर कहाँ पे किया, साउथ अफ्रीका में किया। उसके बाद क्वेश्चन आता है, भारत के अंदर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था, 1917 के अंदर। अब उसके बाद बात की जाए, यहाँ पे आज ये जो क्वेश्चन हमें है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, होम रूल लीग का निर्माण होता है 1916 के अंदर, और इसी होम रूल लीग के अंदर मांग उठी थी किसकी, स्थानीय स्वशासन। किसकी मांग उठाई गई थी, स्थानीय स्वशासन की मांग उठाई जाती है, कहाँ पे, होम रूल लीग के आंदोलन होम रूल लीग के दौरान किसकी मांग उठानी, स्थानीय स्वशासन की मांग उठाएगी। उसके बाद बात करें मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, यानी कि इसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। 1907 के अंदर संयुक्त अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, आज 1916 के अंदर दोबारा से क्या हुआ, इन दोनों का समझौता हो जाता है। नरम दल और गरम दल दोबारा से क्या हो जाते हैं, अब एक साथ हो जाते हैं लखनऊ समझौते के अंदर, और इसी के अंदर मुस्लिम लीग भी क्या हो जाती है, इसमें शामिल हो जाती है, और एक आंदोलन चलता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये सब मिलकर चलाते हैं, लेकिन खिलाफत आंदोलन जैसे ही असफल होता है, गांधी जी आंदोलन चलाते हैं असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाते हैं, असहयोग आंदोलन चलाते हैं। उसके बाद 1917 में गांधी भारत आ चुके हैं, 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं। उसके बाद बात करें हम 1917 के अंदर महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन होता है। महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ पे आंदोलन हुआ, चंपारण में आंदोलन हुआ, और यहाँ पे महात्मा गांधी ने क्या किया, सत्याग्रह का आह्वान किया। क्या किया, सत्याग्रह का क्या किया था, आह्वान किया था, कहाँ पे, चंपारण अभियान के अंदर। उसके बाद फिर बात करें 1919 के रोल्ट अधिनियम की, 1919 में क्या आता है, रोल्ट अधिनियम आता है, रोल्ट एक्ट आता है। यहाँ पे बात करें 1919 में भी क्या आया था, 1909 में भी एक बार शासन अधिनियम आया, अब 1919 के अंदर आया, तो इसमें क्या क्या आ गया, उसके अंदर मुसलमानों के पृथक चुनाव करवाए गए, मुसलमानों को ज़्यादा अधिकार दिए गए, लेकिन यहाँ पे बात करें तो हम सिखों को क्या दिए गए थे, ज़्यादा अधिकार दिए गए थे, जिससे हिंदू और सिख में भी क्या हो जाती है, फूट पड़ जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या नाम आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 का नाम सुनते ही हमारे याद ध्यान में आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, कब हुआ था, 13 अप्रैल। उन्नीस को क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जी, और इस बाग में जनरल डायर ने निहत्थे सिखों पर क्या चलवाई थी, गोलियां चलवाई थी। उसके बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसको हम पढ़ चुके हैं, इसमें सिखों को ज़्यादा अधिकार दिए गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1920 खिलाफत आंदोलन समाप्त, 1919 में शुरू, 1920 में असफल हो जाता है, और 1920 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा क्या होता है, असहयोग आंदोलन चलाता है। क्या चलाता है, असहयोग आंदोलन चलाता है, और यहीं पर गांधी जी ने क्या किया था, विदेशी वस्त्रों का क्या किया था, आह्वान किया था, विदेशी वस्त्रों को क्या किया था, इन्होंने जला डाला था, और विदेशी सामान को क्या किया था, इन्होंने वेस्ट बता दिया था, उनका क्या किया था, बहिष्कार किया था। किसने, गांधी जी ने, किसके दौरान, असहयोग आंदोलन के द्वारा। और फिर बात की जाए गांधी जी के द्वारा इसी असहयोग आंदोलन के दौरान अपने कपड़ों का क्या कर दिया था, इन्होंने त्याग स्टार्ट कर दिया था, अपने कपड़ों को क्या किया, इसने त्याग दिया था जी, किसका, किसमें, कौन से आंदोलन के अंदर, असहयोग आंदोलन के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से आते हैं।
चोरी चोरा कांड। क्वेश्चन क्या है जी, चोरी चोरा कांड। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि ये चोरा चोरी कांड क्या था। फटाफट से कमेंट कर दीजिए अगर किसी को पता है कि ये चोरा चोरी कांड क्या था। तो बात की जाए चोरी चारी कांड होता है जब, इसके अंदर क्या प्रावधान होते हैं चोरा चोरी कांड के, तो इसमें जो गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, क्या चलाया गया था, असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, वो असहयोग आंदोलन क्या हो जाता है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। किस घटना के कारण, चोरा चोरी कांड के कारण। अब उसके बाद फिर बात की जाए तो इस घटना के कारण क्या हो जाता है, असहयोग आंदोलन हो जाता है, और इस घटना के कारण ये आंदोलन क्या हो गया, फिनिश हो गया, और इससे गांधी क्या होते हैं, बहुत ही आहत हो जाते हैं। उसके बाद 1927 में क्या होता है, साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है जी। क्या किया जाता है, 1927 के अंदर साइमन कमीशन की नियुक्ति होगी, और 1928 के अंदर साइमन कमीशन की भारत में क्या होती है, एंट्री होती है जी। 1927 में क्या होती है, भारत के अंदर एंट्री होती है, सॉरी 1928 के अंदर भारत के अंदर क्या होती है, एंट्री होती है किसकी, साइमन कमीशन की। तो अगर फटाफट से बता दीजिए साइमन कमीशन के बारे में नारे किस किसने लगाए थे, और कहां से किस किसने इसका नेतृत्व किया था, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जी चलो आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन क्या होता है, भारत के अंदर एंट्री होती है साइमन कमीशन की। अब साइमन कमीशन भारत के अंदर एंटर कर गया है, और यहाँ पे नारे लगाए जाते हैं साइमन कमीशन को बैक के। कौन से नारे लगते हैं, साइमन कमीशन गो बैक के, यहाँ पे क्या लगाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं जी। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए, और यहाँ पर लाला लाजपत राय था जो, कौन था, लाला लाजपत राय था जो, इसके विद्रोह करने के कारण इसके सर में क्या हो जाता है जी, लाठी लग जाती है। क्या हो जाती है इसके सिर में, लाठी लग जाती है जी, और लाठी लगने के कारण लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दूसरा यहाँ पे बात करें हम, एक व्यक्ति का नाम और आता है, मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू की अगर बात की जाए तो नेहरू यहाँ पे दिल्ली से क्या कर रहा है, इसका नेतृत्व कर रहा है। दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा है, पंडित मोतीलाल नेहरू। और बात की जाए इस टाइम पे भारत के जो वाइस राय हैं वो हैं बर्किन हैंड। जो वाइस राय हैं ये बर्किन हैंड क्या करते हैं, ये बर्किन हैंड मोतीलाल नेहरू को कहते हैं कि भाई ये तेरा क्या गदर फंड है, तूने क्या कर रखा है, ये क्यों इसका बहिष्कार कर रहा है। तो पंडित मोतीलाल नेहरू कहता है जी हमें चाहिए अपना संविधान, हम अपने संविधान की मांग उठाएंगे, हमें अपना संविधान चाहिए, और ऐसा कानून हमने नहीं चाहिए जिसमें कोई भी भारतीय शामिल ना हो। ये बात कही गई किसके द्वारा, साइमन बर्किन, सॉरी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, किसको, बर्किन हैंड को। तो बर्किन हैंड कहता है कि अच्छा आज तुम इतनी प्रोग्रेस कर गए, क्या तुम इतनी नॉलेज होगी तुम अपना संविधान बना सकते हो। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा हाँ जी हम अपना संविधान बना सकते हैं, आप एक बार मौका तो देखिए, देखो
तो बर्किन एंड मोतीलाल नेहरू को कहता है कि अगर ऐसा करने में तुम सफल हो गए तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा अपना संविधान बना देंगे। अब मोतीलाल नेहरू यहाँ पे क्या करता है, अपनी एक टीम बनाता है जिसमें मोतीलाल नेहरू के अलावा 7 सदस्य और होंगे, और 1928 के अंदर क्या करेगा, मोतीलाल नेहरू क्या करता है, नेहरू रिपोर्ट पेश करता है, एक रिपोर्ट पेश करेगा जिसको हम किस नाम से जानेंगे, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानेंगे। और इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर 14 मांगे होंगी, इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर 14 मांगे होंगी, और 14 मांगों की अगर बात की जाए, एक मांग इसमें किसकी थी, फंडामेंटल राइट्स की थी। तो क्वेश्चन आया जाता है कई बार पॉलिटी का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स की जो डिमांड उठाई गई थी वो किसके द्वारा उठाई गई थी, वो उठाई गई थी जी मोतीलाल नेहरू के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर। लेकिन इस रिपोर्ट का जो इस नेहरू के साथ इसका सहयोग नहीं किया था, किसने, हमारे प्रिय महात्मा गांधी ने, उसने सहयोग नहीं किया था। क्यों, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग नहीं थी। कौन सी मांग नहीं थी, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग नहीं थी, इसलिए गांधी जी ने इसका क्या किया था, बहिष्कार किया था। उसके बाद 1929 के अंदर भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया, क्या किया गया था, विस्फोट किया गया था, कौन सा, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम का क्या किया गया, विस्फोट किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई गई कब, 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई गई, और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। उसके बाद 1930 के अंदर क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। 1930 में क्या होता है जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया, स्टार्ट हो जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने वाले महान हस्ती कौन है, महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी हैं, किसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने वाले। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 1930 में सविनय आंदोलन की शुरुआत, 1930 के अंदर क्या हुई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1930 में गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की मांग। और इस आंदोलन के अंदर, इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग किसने लिया, भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था जी। उसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है जी, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें भाग किसने लिया था, इसमें भाग लिया था जी महात्मा गांधी ने। और इस टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। और लॉर्ड इरविन के साथ संधि हो जाती है किसकी, महात्मा गांधी की, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर। और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था जी लंदन के अंदर। कहाँ पे हुआ था, लंदन के अंदर ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 30, 31 और 32, तीनों कहाँ पे हुए थे, लंदन में हुए थे। और तीनों में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या था इनमें से, तीनों में भाग लेने वाला व्यक्ति था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो जैसे ही यहाँ पे समझौता होता है, इरविन समझौता हुआ, इरविन समझौते के बाद गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको क्या कर दिया जाता है, फिनिश कर दिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1932 के अंदर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1932 के अंदर तृतीय, यहाँ पे जो टाइपिंग में एरर हो रखी है, यहाँ पे तृतीय गोलमेज सम्मेलन आएगा। उसके बाद 1932 के अंदर क्या हुआ, पुन्ना पैक्ट और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा,
क्वेश्चन आता है, पुन्ना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? पुन्ना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? तो पुन्ना पैक्ट हुआ था जी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। और था क्या पुन्ना पैक्ट, इसमें क्या हुआ था, रिजर्वेशन की बात की गई थी किसके अंदर, पुन्ना पैक्ट के अंदर। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1932 पुन्ना पैक्ट, 1942 बार छोड़ो आंदोलन। बस आज की हमारी छोटा सा सेशन रहता है, 5 मिनट की और क्लास रहेगी, 5 मिनट के सेशन के अंदर हम इसको क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, 1935 के अंदर, सॉरी 1942 में। यहीं पर गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, नारा कौन सा था, करो या मरो का, कौन सा नारा दिया जाता है यहाँ पे, करो या मरो का नारा दिया जाता है किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया जी, महात्मा गांधी के द्वारा क्या दिया गया, करो या मरो का नारा दिया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा होगा जो फैक्ट था हमारा, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में क्या आता है, क्रिप्स मिशन भारत आता है। इसी क्रिप्स मिशन के अंदर पहली बार कहा गया था कि हम भारतीयों के लिए क्या करेंगे, एक संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया कि संविधान सभा कब बनाएंगे। 1943 के अंदर क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, 1943 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही क्या होता है, संविधान सभा का गठन किया जाता है। और संविधान सभा में कुल जो सदस्य चुने जाते हैं वो 389 चुने जाते हैं, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरों से। और 1940 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन और 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सचिव राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंतरिम सरकार की स्थापना क्या होता है, 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना होती है 1947 के अंदर, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। 1947 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। 1947 में माउंटबेटन योजना आई और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। तो ये थी हमारी जो राष्ट्रीय क्या थी, राष्ट्रीय आंदोलन की इम्पोर्टेंट घटनाएं थी जो हमने आज डिस्कस की है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही हमारे सेशन डेली आते हैं, कभी किसी चीज़ पर तो कभी किसी चीज़ पर, वही सेशन आते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल और जो सस्पेंस रहते हैं उन चीज़ों पर वो कवर करते हैं। तो आज का इस सेशन को हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकता है, या अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, जीके विद जितेंद्र सर, उस टेलीग्राम चैनल पे आप क्या कर सकते हो, इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हो और सारे डाउट भी ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल क्या है, जीके विद जितेंद्र सर, इस टेलीग्राम चैनल से आप क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो और PDF वगैरह इससे हासिल कर सकते हो, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हो 9468238763। तो इन दोनों के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हो, उनकी PDF भी ले सकते हो, कोई भी डाउट को आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो आज के सेशन यहीं तक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। Thank you.